वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विशिखा में। कैसे हैं आप सब? आई होप आज वीडियो में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का हॉल वीडियो शुरू करती हूं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली है करीब, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूं नवरात्रि स्पेशल मीशो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हॉल वीडियो। तो चलिए, मैंने आज क्या क्या चीजें मीशो से मंगाई, कौन कौन सी ज्वेलरी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने जो ये पहन रखा है, ये ज्वेलरी भी मैंने मीशो से मंगाई है। और देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही लाइट वेट सेट है। इसके साथ मुझे ये नेक पीस मिला है जो कि थोड़ा सा लंबा है। इसका पेंडेंट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है कुछ इस तरीके से। इसमें मुझे ये बाली कुंडल या हुक जो भी बोले आप, ये मुझे मिला है, बहुत ही अच्छी लग रहा है मुझे। और उसके साथ मुझे ये एक बैंगल मिली हुई है कड़े, इसमें थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है घुंघरू की। बहुत ही हल्का लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा पीस है और बहुत ही रीजनेबल रेट पे है। मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और प्राइस भी टैग कर दूंगी। तो ओवरऑल लुक ये कैसा लग रहा है आप देखिए, इसको आप नवरात्रि में पहन सकते हैं। ये आप इसको आप कॉटन कुर्ती के साथ, कॉटन साड़ी के साथ या स्कर्ट कुर्ते के साथ किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। देखिए, आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप जरूर ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा सेट। दूसरा मेरा ये देखिए एक चोकर सेट है और इस पे मिरर वर्क हुआ है, मिरर लगे हुए हैं इस टाइप से। इस पे यहाँ पे मोती से डिटेलिंग है और यहाँ पे मिरर लगे हुए हैं। ये थ्रेड से, ये इसमें ब्लैक कलर का थ्रेड लगा हुआ है, इससे आप इसको अच्छे तरीके से पहन सकते हैं। बहुत ही हल्का लाइट वेट है और ये अच्छा पीस है। इसके साथ ईयरिंग बहुत ब्यूटीफुल है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी ईयरिंग्स को आप सेट के साथ भी और बिना चोकर को पहने हुए भी पहन सकते हैं। किसी भी आपके आउटफिट के साथ जाएगा, कॉटन कुर्ते के साथ तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके साथ एक कड़ा भी मिलता है, ये एक कड़ा है। तो ये इस टाइप से पूरा ये सेट आता है। इसका भी प्राइस बहुत ही चीप है, आप इसको भी गर्भवती के लिए ले सकते हैं। नवरात्रि में इसको आप ज़रूर लीजिए। तीसरा नेक पीस इस तरीके से है, ये बहुत ही मुझे सुंदर लग रहा था। इसकी इयररिंग्स बहुत प्रिटी है, लेकिन मुझे इयररिंग्स रिसीव नहीं हुई है, सिर्फ ये नेक पीस आया है। इसको मैं रिटर्न में डालूंगी और दूसरा सेम भी मैं मंगवाऊंगी, क्योंकि इसकी इयररिंग्स अभी आप मैं लगा दूंगी। इसकी पिक्स आप देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सेट तो बहुत सुंदर है बट मुझे इयररिंग्स नहीं मिली है, तो ये मैं वापस करूँगी। ये है, ये भी एक चोकर सेट है। इसमें नीचे मरून कलर के नग लगे हुए हैं और नीचे यहाँ पे पर्ल्स लगे हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है। आप पहना हुआ इसको देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा दिख रहा है। इसके साथ ये ब्लैक कलर के कॉटन थ्रेड लगे हुए हैं, डोरी इससे इसे टाई करना है। बहुत अच्छा पीस है। इसकी इयररिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी इयररिंग्स कुछ इस तरीके से अच्छी है, बट अगर ऐसा रहता तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता मुझे, लेकिन अच्छा है। अगर मुझे उसकी इस टाइप की लॉन्ग कम पसंद है, लेकिन पहनने के बाद ओवरऑल लुक इसका भी अच्छा आ रहा था। ये है, बहुत ही सिंपल सा है। ये एक चेन है और ये थोड़ा हैवी है, इसका पेंडेंट थोड़ा भारी है इस टाइप का। ये मैं अपनी इंडिगो कुर्ती के साथ वेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने पहले मंगाया था, ऑर्डर सब एक साथ किया था, लेकिन ये पहले आ गया तो मैंने इसको कई बार पहन दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसकी इयररिंग्स कुछ इस तरीके से है। इयररिंग्स मुझे नहीं पसंद आती, मैं इसको नहीं पहनती हूँ, बस ये नेक पीस ही पहनती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है। आपको कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा। मैंने जितनी भी ज्वेलरी मंगाई थी उसमें सबसे ब्यूटीफुल और सबसे लास्ट पीस जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई और इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी ज्वेलरी। इस टाइप से ये है, बहुत अच्छी लगी मुझे। आप इसको
फ्रेंड्स, आज की ज्वेलरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इनमें से आप कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।